जिंदगी किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको मजा चखाती है। टेंपर में एनटीआर ने कहा है, वैसा नहीं होगा ऐसा सोचा था, लेकिन अभी मेरा मन मर चुका है। इसलिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर काकीनाड से 30 किलोमीटर दूर अभी मैं यार्डनम ब्रिज पर हूं। रिक्शा वाला चलाने के हालत में नहीं था, इसलिए मैं इसे चला रहा हूं। इससे सफर करना वैसा कहना करेक्ट नहीं होगा, हां, लेकिन मैं अपने प्यार से बहुत ही दूर भाग रहा हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर मर्द कभी ना कभी अपने प्यार से एक ना एक दिन दूर भागता ही है। प्यार किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको मजा चखाएगा, याद रखना मेरी बात। सुपर गीता, धक्का क्यों मारा तुमने? गीता क्या, मेरा नाम बबीता है। अरे बाप रे, ऐसे टाइम पे गीता का नाम ले रहे हो, मतलब उसके साथ भी घूमते हो ना? असल में उसके साथ क्यों घुमा ये पता चलेगा तो बहुत शौक हो जाओगी। मतलब? जरा मुझे एक पप्पी देना। अरे दो ना। तुझे तो कुछ भी नहीं पता, तुझे पप्पी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या हक करती है तू, सच में क्या सुंदरता भरी है तेरे में। ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे पता है तुम्हें तो वही सबसे सुंदर लगती है। वो बोले तो वही लड़की ना। ऐसा नहीं होता, लड़की की खूबसूरती को सर्टिफाई करने वाला एक लड़का होता है। मैं कह रहा हूँ ना, तू ही बहुत खूबसूरत है। क्या सच में? गीता के साथ घूमने से तेरी वैल्यू पता चली। तो बहुत सुंदर है। एक बात बता, जानवर तुझ में कोई फर्क है क्या? क्यों? जानवर बिना सोचे यहाँ वहाँ कहीं भी भटकता रहता है, तू भी वैसा करता है। कहीं भी लड़की दिखने की बिना सोचे उसके पीछे पड़ जाता है। छी। तेरे में और जानवर में कोई फर्क है क्या? क्या बोला? ना वो कभी जीता है, ना पर्सनालिटी बनाता है, ना एंजॉय करता है, ना इमोशन होते हैं। उसे खुद पता नहीं होता कि वो पैदा ही क्यों है। चल अब तू बता, डॉगी बेटर है या आदमी बेटर है? इतना कंपेयर कर रहा है तो फिर डॉगी ही बेटर है। तू अपनी जिंदगी डॉगी जैसी जिएगा। अपनी जिंदगी बहुत छोटी है यार, एंजॉय करना है। जाने के टाइम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड साथ नहीं लेके जाएंगे? थोड़ी टल्ली हो गया ये। 2500 लूंगी। क्या बोला? 2500? 1200 दूंगा। ये बबलो, हाँ उधर देखना। नहीं आऊंगी। 1600 दूंगा। ए नहीं चलेगा। अच्छा चल 1700 दूंगा। अबे अपन को तरफ नहीं जाना है, मेरी बात समझ रहा है ना तू? ए चल निकल यहाँ से। अरे भाव बढ़ाया तो सही। इसके पास तुम्हारी जिंदगी पे। अबे बे 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 बे, कूल कूल। क्या बे भाव लगा रहे हो? तुम लोग जब बियर बार जाते हो वहाँ जो रेट होता है चुपचाप दे देते हो ना, मोल भाव तो नहीं करते ना? नहीं। फिर उससे भी ज्यादा किक देने वाली उसे क्या मोल भाव करना। अबे तुम्हारी तो शर्म नहीं आती क्या? ये लोग अपने गांव को डेवलप करके बैंकॉक बनाना चाहती है। हाँ वो सब ठीक है, थोड़ा संभाल कर कोऑपरेट करो यार। बिना जीएसटी के सर्विस दे रही है, इस्तेमाल करो ना। इस देश को तुम लोगों की बहुत जरूरत है। लड़कियां बहुत अच्छी होती है रे, लड़की का मतलब ही अच्छा होता है। तुम लोग भाव मत उतारना, कुछ भी बोले ये लोग। बाय चल भाई, बाय बाय। लड़कियों के साथ मजे लेकर नई फिल्म की पायरेसी करके बहुत ही खुशी की जिंदगी जीने वाले मुझ जैसे आदमी को एक हैदराबाद की लड़की ने डिस्टर्ब कर दिया।
सुनाई नहीं दे रहा। हाय दीपू, कैसी है? बहुत टेंशन में हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा ना मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, 10 दिन के बाद वो अमेरिका से आने वाला है। 10 मिनट मुझसे बात करेगा फिर ओके। फिर अगर उसे मैं पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। वो तेरे लिए सही है या नहीं ये पता लगाने में दिक्कत हो रही है? सही कहा यार, इसीलिए तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब बताना मैं क्या करूँ। 100% लोगों में 60% लड़के होते हैं और लड़कियाँ सिर्फ 40% होती हैं। तो हम उनसे बिल्कुल कम नहीं है, इसलिए क्लैरिटी के साथ सही डिसीजन लेकर उसे सिलेक्ट करना। डिसीजन हमारा होना चाहिए। वो तेरे लिए सही है नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। कल ही तेरे शहर आ रही हूँ मैं। ये वही है यार, कैसा लग रहा है? Yeah, it's good. अच्छा है। ऐसा क्या? मैम साहब, क्या हुआ? नीचे मैम साहब वेट कर रही है, सब एक साथ फिल्म देखना चाहते हैं। फिल्म देखना है? I love films. चल हाँ चल। सीडी कल ही लेकर आया हूँ। तुम लेकर आए हो? मैं लाया हूँ। कौन सी फिल्म? नहीं बताऊंगा। हाँ, आप देखेंगी तो शौक हो जाएंगी। आ जाओ बैठो। अपसेट मत होना, स्टार्टिंग है ना, फैंस रोक नहीं पाते, उसके बाद कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये सीडी अशोक नगर में रहने वाले ब्लॉकबस्टर सीडी शॉप के यहाँ मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। ये सीडी तुम लेकर आए? हाँ, मैं ही लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, अरे कमाल की लड़की है, सामने एक मर्द खड़ा उसे ऐसे ही मार दिया। प्रिंट अच्छा नहीं है तो मार दोगी क्या? मैं दूसरी सीडी लेके आता हूँ ना। बाप रे, पायरेसी करना गलत है और पायरेसी देखना भी गलत है। अशोक नगर ब्लॉकबस्टर शॉप, उसे तो मैं देख लूंगी। पता है मेरी फ्रेंड कौन है? फेमस फिल्म प्रोड्यूसर की बेटी है। पायरेसी देखती है ना तो इसे बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो उसके पापा नहीं है ना। अगर कोई ऐसे पायरेसी कर रहा होगा तो वो कैसे चुप रहेगी? आप लोग भी इस तरह से फिल्म देखना बंद कर दीजिए प्लीज। श्री क्या कर रही हो? ब्लॉकबस्टर सीडी शॉप में पायरेसी हो रही है, ये बात रामचरण के फैंस को बता दी। अब ना वो शॉप रहेगी और ना पायरेसी करने वाला। अबे अरे क्या हुआ? मार के रख। शांत हो जाओ। हमारे अख्तियार की फिल्म की पायरेसी कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सोचा था इस बार सारी फिल्मों का रिकॉर्ड टूटेगा, तेरी वजह से सब कुछ धुल गया। रुक जाओ। प्लीज रुक जाओ। 10,000 देता हूँ, छोड़ दो ना। कैसी दिख रही है वो दिखाओ क्या तुझे? अच्छा चलो ठीक है, 1,00,000 देता हूँ, छोड़ दोगे? तेरे पैसों से बिकने वाले नहीं हम लोग, क्या सोच रखा है? ओके, नेक्स्ट वीक महेश बाबू की फिल्म रिलीज होगी, उसकी मैं पायरेसी करूंगा। उस फिल्म की पायरेसी जरूर होनी चाहिए भाई, वो 100 करोड़ पार नहीं करनी चाहिए भाई। वो लोग कॉलर उठा के चल रहे हैं ना, हम लोगों को बहुत जलन होती है। ए, लाइटर दे मैं। ओके। अच्छा तेरे पापा प्रोड्यूसर हैं क्या? हाँ। तो नेक्स्ट कौन से हीरो के साथ बना रहे हैं? प्रभास के साथ, नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रही है। तो क्या तुम वही फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आई हो? वो देखने के साथ साथ मेरे एक फ्रेंड के होने वाले पति को भी सेलेक्ट करने आई हूँ। तुम किसी से प्यार करती हो क्या? नहीं नहीं। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मुझे अपनी लव स्टोरी की मैं ही हीरोइन हूँ, तो लड़का भी हीरो होना चाहिए, उसका कैरेक्टर
पवन कल्याण जैसा होना चाहिए, महेश बाबू जैसी स्माइल, एनटीआर जैसी एनर्जी होनी चाहिए और प्रभास की तरह बॉडी होनी चाहिए, आलू अर्जुन के जैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मुझे ऐसा कोई मिलेगा ना तभी प्यार करूंगी। क्या वे सुबह सुबह शॉप छोड़कर यहाँ पर क्यों ले आया मुझे? भगवान ने दिए इन आँखों से, जब खूबसूरत लड़कियों को देखा जाता है ना तो दिल तंदुरुस्त हो जाता है। किसी चैनल पर एक बाबा ने बोला था ऐसा, मैंने सुना। फिगर बहुत कड़क है। अजी हमने कुछ नहीं कहा, ये आपको बैडली देख रहा था, मैं तो डिसेंटली देख रहा था। तू तो गया काम से, इसने बोला। क्यों नहीं देखोगे? बैडली ही देखना पड़ेगा। घंटों तक एक्सरसाइज करती हूँ, फिगर मेंटेन करती हूँ। किसके लिए करती हूँ? तुम लोगों के लिए ना। वो क्या है कि इसने ना आपको ये बोला, ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, वहाँ जाकर वैक्स करवाती हूँ। मैं क्या कह रही हूँ अब तो समझ गए ना? इतनी सेक्सी बनकर बाहर घूमने आऊंगी और तुम नहीं देखोगे? इतनी सेक्सी बनकर यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, देखना पड़ेगा, बैडली ही देखना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना गधे कहीं के। और तुम कीप इट अप। जब बोल दिया तो आई विल कीप इट अप। अबे ये किस एरिया की लड़की लग रही है यार? बॉडी से तो नॉर्थ इंडियन लग रही है, लड़कियों का अपडेटेड वर्जन है। मैं जाकर इंस्टॉल करके आता हूँ। तुम्हारे डैडी कोई टेररिस्ट है? क्यों? इतने बड़े बॉम्ब को तैयार किया है। ले सकता हूँ क्या? क्या नाम है? जेनिफर। वानुगुड़ी सेंटर में की अपार्टमेंट 3 फ्लोर 302 में रहती है। ये क्या, पूछे भी नहीं अपना एड्रेस भी बता दिया? अचानक या फिर गलती से वहां मत जाना, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। और ले सकता हूँ? मारियो, कम मारियो। तुम जो बिस्किट खा रहे हो ना वो मारियो के हैं, पसंद आए तो और खा सकते हो, रख लो। कम मारियो। कोई बात नहीं, डॉगी जैसा जीने के लिए भी तैयार हूं, उसके फूड की भी आदत लगा लूंगा। सुनो, बाला सेंटर जाओगे? अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, फिल्म देख रहा हूँ। दूसरा ऑटो ले लो। फिर से पायरेसी? ओए, क्या बात है, सीधे घर पहुंच गए? मेरे बारे में जानती नहीं हो ना, इसीलिए सब कुछ बताने के लिए आया हूँ। इस एरिया में हमारे घर आने से हर कोई डरता है। तुम भूत होगी तो भी चलेगा, एंजॉय करके ही जाऊंगा। मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? पुलिस वाला है या बड़ा गुंडा है? प्रोफेशनल किलर। सिर्फ 10 मिनट में
मैं आपके पास एक गेस्ट को भेज रहा हूं, उसका अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। आज तक बहुत से लोगों को मैंने भेजा है पर कोई कंप्लेंट नहीं आई। मेरे भैया प्रोफेशनल केलर है, ये जान के सब मुझसे डरते हैं, कोई मेरी तरफ नहीं देखता। लेकिन तुम तो सीधे घर चले आए, बहुत हिम्मत वाले लगते हो। किसी और से डर कर तुम्हारी इस खूबसूरती को हाथ से नहीं जाने दूंगा। कौन है बे? ओपन। भैया आ गए। अरे छोड़ो ना। अरे ओपन कर दो। भैया आ गए। मैं क्या करूंगा? ओ क्या करूं, छुप जाओ। पहले शूज तो ले लूं। ओ गॉड क्या करूं? कौन है अंदर? मैं यहां छुप जाता हूं। अरे क्यों निकल रही हो? अरे तुम क्यों छुप रहे हो? मुझे छुपने दो ना। ये कहां कर फंस गया यार। इसके भाई को भी अभी आना था। ओपन द डोर। हाय भैया। कोई तो घर में है या कोई भी तो नहीं? किसी मर्द की आवाज सुनाई दी मुझे। एक मिनट। अरे आगे से हटो, मेरी बात तो सुनो। भैया क्या हो गया आपको? हट जा। क्या हुआ भैया, यहाँ कोई भी नहीं है। पर मैंने आवाज सुनी है। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1 FM, गुंडे और किलर्स के लिए ये सॉन्ग सुनकर मजे लीजिए। रेडियो मैं रेडियो सुन रही थी भैया। I'm a street dancer, I am a street dancer, आता हूँ जाता हूँ लोगों की नींद उड़ाता हूँ। अरे सुनो रे मेरे भाइयों सुनो। Hey, I am a street dancer. मेरा दिल ना तोड़ो। मेरा दिल ना तोड़ो, रूठ के ना जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ। रेडियो ऑफ करने के बाद भी गाने की आवाज आ रही है, कोई तो इस रूम में जरूर है। मेरी बुलेट से बचकर फर्स्ट टाइम कोई मुझे चकमा देकर भाग गया है। उसकी बॉडी में बुलेट दागे बिना मैं घर नहीं आऊंगा। श्री क्या सोच रही हो यार? वो पायरेसी करने वाले का नंबर लाई हूँ, अब क्या करूँ? अब इस बारे में सोचना छोड़ दो और आकर सो जाओ। चलो सो जाओ। यस। अगर लड़की कुछ कहे तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैं उससे स्वीटली बात करके उसे ट्रैक करूंगी, फिर रेड हैंडेड उसे पुलिस को पकड़वा दूंगी। हेलो। हाय, तुम्हें सीरी शॉप में देखा था। बहुत हैंडसम लगते हो। पता नहीं तुम्हें मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे लाइन मार रही हो? मतलब
तुम बहुत ही चालू किस्म की लड़की हो ऐसा मुझे लग रहा है। एक काम करो, अपना फोटो निकाल कर व्हाट्सएप पर भेजो। फोटो मतलब सिर्फ फेस नहीं, पूरी बॉडी दिखनी चाहिए। और एक काम करना, अपनी बॉडी का हर एंगल का फोटो खींच कर भेजो। अगर पसंद आया तो मिस कॉल दूंगा। फोन रखो। ये तो बिल्कुल चीप मेंटालिटी का है। ऐसे बकवास लोगों से क्यों बात कर रही हो, छोड़ो ना यार। नहीं छोड़ूंगी, उसकी पायरेसी और होशियारी दोनों निकाल कर रहूंगी। खूबसूरती तो जिंदगी में नहीं दिखी। हे, उसी का कॉल है। कम कम। हेलो। हेलो। मिस्ड कॉल देने के बारे में सोचा था, तुम्हारी खूबसूरती ने आउटगोइंग ही करवा दिया। फिगर जबरदस्त है। फिगर में क्या रखा है? वैसे कब मिलेंगे? कौन से हीरो की फैन हो? मैं महेश बाबू की फैन हूँ। समझ गया मैं। कल तुम्हें HD प्रिंट दूंगा। ए, बाहर क्यों? कल मॉर्निंग 10 बजे मैं तुम्हारी शॉप के पास आ जाती हूँ। ओके। बाय बाय। ओ मेरी जाने मन आएगी। ओ रानी रानी रानी। ये कॉस्टली कपड़े, ये परफ्यूम लगा के तू कहाँ जा रहा, समझ में नहीं आ रहा बाबा। तूने तो लोगों को फिल्म की पायरेसी कॉपी देकर पटाया, कुछ लोगों को फालतू की बकबक करके तूने पटाया। इस बार तो पूरा माहौल ही उल्टा है। सामने से लड़कियाँ के खुद लाइन मार रही है यार, हाउ इज इट पॉसिबल? लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, लड़कियों का मतलब ही अच्छा ही होता है। तू यही रुक भाई। हेलो। हेलो। फोटो से बाहर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम ऐसे तारीफ कर रहे हो मतलब महेश बाबू के फिल्म की सीडी नहीं रखे हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पेनड्राइव में चाहिए, मोबाइल में चाहिए या फिर सीडी में चाहिए? सीडी। ओके। सीडी। थैंक यू। मुझे अंदर करवा दिया, देख लूंगा। तुम्हारे शहर में पायरेसी करना गलत होता है क्या बेटी? दुनिया में कहीं भी पायरेसी करना गलत है। ओके ओके ओके। अच्छा, हमारे पुलिस स्टेशन में ऐसा केस पहली बार आया है। मुझे कुछ नया लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं डील कर लूंगा। बस तुम FIR जरा स्ट्रॉन्ग लिखना बेटी। लिख दूंगी सो, लेकिन ये बाहर नहीं आना चाहिए। मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या? अपने मतलब के लिए फेसबुक पर लाइक पाने के लिए मुझे अंदर करवा दिया। मुझ जैसी भोली भाली लड़की को धमका कर मुझे डरा रहा है। ये बात मैं यहाँ लिख रही हूँ सो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग केस बनाइएगा। ये हुई ना बात, ऐसे ही मसाला चाहिए बेटी। लिखो, अच्छे से लिखो। थैंक यू सर। वेलकम। अरे तुम थोड़ी ना मासूम लड़की हो, सिर्फ दिखने में हीरोइन टाइप की हो लेकिन असल में विलन हो। मगर इस हीरो से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना पायरेसी को छोड़ूंगा। पायरेसी फिर से करने की कोशिश की तो गला काट दूंगी। चल जाए यहाँ से। कैसे भी मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा और आपके पास भेजूंगा। तब तक के लिए आपको वेट करवाने खातिर सॉरी। इसे कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। ठीक से देख। सच में नहीं जानता भाई। एक मिनट, तुम लोगों ने इस लड़के को कहीं देखा है क्या?
क्या देख रही हो? फोटो पीछे से खींची है ना, अगर आगे जाकर देखूंगी तभी तो फेस दिखेगा ना। मुझे इसे किसी भी तरह से ढूंढना है और मारना है। इसे क्यों मारना चाहते हो? ये लड़का मेरे ही घर में मेरी बहन के साथ रोमांस करके मेरे हाथों से बचकर भाग गया। किसी और को मत दिखाइएगा, पागल समझेंगे आपको। मैं तो पहले से ही पागल हूँ, किलर। वाओ, क्या गन है। शट अप। वो अगर दिखता है तो संगीता लॉज में आकर बता देना, मैं यहीं रहता हूँ। आज मैं तुझे फेमस ब्रिज दिखाती हूँ। Okay. वो रहा ब्रिज। ओह। ये बाहर कैसे आ गया? वो बहुत गुस्से में लग रहा है, चल वापस जाते हैं। तू जा, मैं उससे बात करके आती हूँ। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? लोकल हूँ ये जानकर भी लॉकअप में डलवा कर मेरी बेइज्जती कर दी ना, मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दूंगा, नहीं तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, है ना? तुम जैसे बेवकूफ से बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। ओए, रुक जा, इधर आ, इधर आ। क्यों अवॉइड कर रही है? तुझ पर लाइन मारने नहीं आया हूं, अपना हिसाब पूरा करने आया हूं। मैं अपने हिसाब से जी रहा था, तूने सब एंगल से फोटो निकाल कर मुझे भेजे और अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे जगा दिया। वो फोटोज देखकर मैं टेम्प्ट हो गया हूं, बहुत अलग अलग सोच आ रही है, मगर तूने क्या किया, धोखा दे दिया। तेरा कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए तुझसे प्यार नहीं करूंगा। लेकिन तेरी खूबसूरती भाग गई, तेरी बॉडी पसंद आ गई, मेरी पसंद को मैं छोड़ता नहीं हूं। क्या करोगे? बस एक बार, वन टाइम तू मेरे साथ सो जा, वन टाइम सेटलमेंट, ओके ना? वन टाइम, वन टाइम, वन टाइम। अभी तेरा जूता टच हुआ है, कल तेरा हार्ट टच होगा। ए, चल निकल, उसके बाद तेरी बॉडी टच होगी। अबे क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्या फालतू का नाटक कर रहे हो? फिल्म देखते हो, लड़की पटाते हो, शॉपिंग करते हो, उसे आइसक्रीम खिलाते हो, फेस पे क्रीम लगाते हो, जेब पे जब तक पैसा होता है तब तक हंसते हो, खेलते हो, गाते हो, और जैसे ही जेब से पैसा खत्म हो जाता है छोड़ छाड़ के भाग जाते हो। माय हार्ट में हो जा सेंड रे, तू बन जा माय गर्लफ्रेंड रे, फिर गाएंगे हम जाना फिल्मी गाना। तेरा देख के सोना रूप रे, मन लग गया तेरा लूप रे, कर ले एक्सेप्ट मैं हूँ तेरा दीवाना। तेरे हुस्न का चढ़ गया जादू, ना खुद पे है मेरा काबू, दिल बोले आई लव यू, चाहे दिल करना मीट यू। वी हेट यू, वी हेट यू, वी हेट यू, बट वी लव यू बेबी, लव यू ओ बेबी, बट लव यू ओ बेबी। माय हार्ट में हो जा सेंड रे, तू बन जा माय गर्लफ्रेंड रे, फिर गाएंगे हम जाना फिल्मी गाना। इडियट, बेवकूफ कहीं का, लोग तो प्यार के लिए पीछे पड़ते हैं, पर ये तो उनसे भी दो कदम आ गया। इसी को हीरो समझ रही थी और वो तो विलन निकला। Yeah.
सक्सेस पे इतराए यूं तू बिल्डअप कर तू सोच रे जिस दिन तू मिल जाएगी तो सक्सेस बाहों में होंगे कर ले तू जो वेलकम बन जाएंगे स्टार हम फिर तो दिखला दूंगा मैं तो हाँ मैं हूँ क्या वरना हो जाऊं सन्यासी चला जाऊंगा वाराणसी तू मान जा दिल भर जानी बन जा मेरी कहानी We hate you We hate you We hate you Out of sight But we love you oh baby We love you oh baby We love you oh baby उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा उससे तो तुम फ्री के बिस्किट की तरह मिल गई हो बस पैकेट खोल के खाना चाहता है तुम्हें और तुम होगी पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह हीरो को छूने से भी मना करती हो अरे आज की लड़की हो तुम लोगों के फालतू आइडियाज की मुझे जरूरत नहीं है उससे पीछा छुड़ाने का कोई आइडिया है तो बताओ मेरे पास एक आइडिया है लेकिन थोड़ा सा वायलेंट है क्या हमें वो जो किलर मिला है ना उससे ही इस पायरेसी को वार्निंग दिलवाते हैं अगर नहीं सुना तो हाथ पैर तुड़वा देंगे इतने वायलेंस की क्या जरूरत है सुपर आइडिया है मस्त है ए, इसे कहीं देखा है मैंने नहीं देखा आ? कहीं देखा है क्या बेवकूफ कहीं का घर पे बोल के नहीं आया क्या अगर मैं नहीं बचाता तो रोड पे ही मर जाता तू आपने मेरी जान बचाई है आज के बाद आप ही मेरे भगवान हो ठीक है अब संभाल के जाना सर 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 मैं किसी तरह आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ आप अपने दुश्मनों में दो तीन लोगों के नाम बताइए मैं उन्हें जान से मार दूंगा शॉक में माइंड ब्लॉक हुआ लगता है जाकर रेस्ट कर ले हाँ ऐसा मत कहिए सर शर्माइए मत सर अपने दुश्मनों के नाम बताइए एड्रेस बताइए मैं उन लोगों को मार कर आता हूँ अरे भाई ऐसा मेरा कोई नहीं है अगर होगा तो बता दूंगा बताएंगे ना सर जरूर बताइएगा हाँ बता दूंगा जरूर बता दूंगा थैंक यू सर ओके 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 सर मैं संगीता लॉज 402 में रहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दुश्मनों के नाम बता देना मैं सबको खत्म कर दूंगा किलर आपने जिस बैक पोस्ट वाले लड़के की फोटो दिखाई थी हमने उसे देखा है हाँ? कौन है वो कहाँ देखा तुमने उसे? हमारे पास उसकी फोटो भी है और एड्रेस भी है कहाँ है दिखाओ मुझे टीना ये है मेरे भगवान की फोटो दिखा कर उसे तुम लोग मेरे ही हाथों से मरवाना चाहती हो भगवान ये कैसे हो गया सच सच बताओ आप ऐसे नहीं मानते ना सर इसलिए हमने ये प्लान किया मैं अपने भगवान के दुश्मनों को नहीं छोड़ता और इसीलिए आज तुम लोगों को मरना होगा तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो पहले मेरे हाथों से कौन मरना चाहता है जल्दी डिसाइड करके बताओ मेरे पास टाइम कम है हाँ यहाँ से स्ट्रेट ले अब लेफ्ट 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 ले तेरी क्या लेफ्ट राइट कर रहा है कहाँ लेकर जा रहा है बता लड़की तेरे से बात करना चाहती है वो ऐसा बोल रही है क्या बात करना चाहती है मैं थोड़ी ना उसे डरता हूँ चलो आज किस्सा खत्म करते हैं लड़कियों को बहुत कमजोर समझते हो क्या इतना आसान भी नहीं है पटाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इंप्रेस करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो भी कर्जे लेकर उसको गिफ्ट देना पड़ता है समझी वो छी थू करेगी तो भी उसे हंसकर झेलना पड़ता है झेलने के पीछे कितना दर्द छुपा होता है पता है
पसंद आई लड़की को पटाने के लिए हमें छोटी सी दंगल करनी पड़ती है। वो सब छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कुछ बात करना चाहती थी ना, वो क्या है, बाकी सब जाने दो। देखो तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हो। अब फोटो भेजकर मुझे भी तो डिस्टर्ब किया है ना। अबे तू बता ना, मेरी बात सुनो, अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ शांत नहीं बैठेगा, बल्कि उसकी छींटे आप पर ही गिरेंगे। तुम्हारे टॉर्चर करने से ये हारने वाली नहीं है। बोलो, अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो बताओ। तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे इंसाफ दिलवा दो। शादी के बाद ही सब होना चाहिए, ये इस बात में बिलीव करती है। ओ बेचारी, तुम्हें इंसाफ मिल जाए इसलिए एक काम करते हैं। क्या मैं आ जाऊं? तेरी तो शांत हो जा, कहां जा रहा है? अरे शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे बुलाया मैंने, बच्चे को देखकर फंसाना चाहती है क्या? ये देख, सिनेमा की हीरोइन लगती है और तू बाजू में रहने वाली फ्रेंड। अरे बाप रे, शांत हो जा। मेरी बात सुनो, हम लोगों की बात मंजूर है तो ठीक है, वरना चलते बस। अबे तू क्या समझा रही है मुझे, निकल जा यहां से। अच्छे से समझा इनको, तुम चुप करो। 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स, शांत हो बैठ जा। अगर हम दोनों आ जाएं तो चलेगा क्या? अरे त्योहार का ऑफर है क्या, बाय वन गेट वन फ्री है क्या? मैं ऑफर नहीं लेता, फ्रेश पीस चाहिए मुझे। मैं एक हीरो हूँ इसलिए हीरोइन ही चाहिए। ऐसे जिद करोगे तो कैसे चलेगा, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कोई ऑप्शन है तो बताओ। जब मैंने पायरेसी की तो तुम्हें 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 किसी को भी लेना देना नहीं था, लेकिन इसको क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की, इसलिए गुस्सा हूँ। गुस्सा नहीं है, जो पायरेसी करता है ना उसे मार देने का मन करता है। क्यों पता है? मेरा बैकग्राउंड जानते हो? मेरे पापा कौन है जानते हो? फेमस फिल्म प्रोड्यूसर जीवी पार्थ सारथी। प्रोड्यूसर है। हम लोगों को मिलने वाला पैसा तुम जैसे लोग लूट लेते हो। कौन लूटता है पैसा? कौन लूटता है? कैदी नंबर 156 करोड़ लूट लिया तुम लोगों ने, और श्रीमान आशिक से तुम लोग करोड़पति बन गए, और अभी जो फिल्म थी बाहुबली को पूरी दुनिया में रिलीज करके 2000 करोड़ रुपए कमा लिए तुम लोगों ने, फिर भी पेट नहीं भरा क्या? क्यों हम जैसे लोगों के पीछे पड़ते हो? हम जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन को जीने नहीं दोगे क्या? वैसे भी बात करके कोई फायदा नहीं, प्रोड्यूसर की बेटी आई है सुनकर मेरा मूड ऑफ हो चुका है। हे भगवान, इसका मतलब छोड़ दिया ना, पूरी कैपिटल सिटी को छोड़ दिया, उसके सामने ये क्या चीज है? चल छोड़ दिया तुझे, निकल यहाँ से। हाँ जाओ। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है बोलो? पुलिस से बचकर बाहर आने के लिए मेरा 5 लाख रुपए खर्च हुआ है, वो मुझे मिल जाए तो मैं अपना ये फेस तुमको कभी नहीं दिखाऊंगा। सुपर यार, इसे बोलते हैं सेटलमेंट। जल्दी से पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। कल ही पैसे लाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। पैसे लाइयो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। ये लो। ए, अरे रुक। हेलो, अरे रुक जा। क्या है? इतनी जल्दबाजी में जा रही हो, मतलब इस गड्डी में कुछ नोट कम होंगे ऐसा लग रहा है, मेरे गिनने तक वेट करो। गिन लो। 1 2 3 क्या कर रहा है? पुलिस। अरे ये तो बहुत बुरे फंस गए। इसके बीच में छेद है, ऐसा नोट नहीं चलता है। ये दूसरा दे दो, मुझे नहीं चलेगा। बोलो क्या करना है? दूसरी दे दूंगी, बेवकूफ कहीं का। हिसाब बराबर हो गया, जाओ यहां से। आने वाला काम पूरा हो गया? हो गया सर। बिना पूछे दे दिया? हाँ सर। सर ये लड़की है सर, इतनी आसानी से नहीं देगी, हमें ही छीनना पड़ेगा, इसलिए छीन लिया। पूरा काम खत्म हो गया क्या? अरे अभी अभी खत्म हुआ सर, 5 मिनट पहले आते ना तो सब कुछ देख लेते। हम देख के क्या करते हैं बे? देखो मुझे पैसे दिए, ये बात किसी से कहना मत, ठीक है? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? कांस्टेबल सर, जा के अरेस्ट करो। ओके सर। सर, अरे सर, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर? हमने क्या किया? सर, क्या किया? चलो सर, मैंने तुमसे कहा था दोस्त के घर चलते, गार्डन का आइडिया तुम्हारा ही था। आजकल इंसानियत से ज्यादा डॉगी गिरी दिखाई देती है, और तू क्या बे, सीधे रोड रोलर को उठा के लेके आ गया, वजन उठा पाएगा ना? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया? तुमने इस फालतू पार्क में आने के लिए कहा था ना, तुम्हारी वजह से मेरा नाम भी खराब हो रहा है, इसलिए हमारी 5 लाख की डील कैंसिल। ए, अरे प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज क्या करें? असल में मुझ पर बहुत कर्जा है, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। ए, तुम कुछ भी करो उससे मुझे क्या, मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। तो ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाने नहीं दूंगा, मुझे 5 लाख दोगी
ऐसा है तो ठीक है। माय डियर कॉमर्स। कॉमर्स का क्या मतलब होता है भाई? प्यार करने वालों को लवर्स कहते हैं। हाँ। तुम जैसे फालतू काम करने वालों को कॉमर्स कहते हैं। तुम्हारी खुशी में रुकावट लाने वाले पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है। पुलिस वालों ने हम पर अन्याय किया है तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 छोड़ेंगे। पुलिस वालों को अपनी हार्मोन्स पावर क्या होती है दिखाते हैं। चलो चलो जल्दी। शॉप क्लोज है, अब कुछ नहीं कर सकते। रुको फोन करता हूँ। चाचा जी कहाँ पर हो? तेरे चाचा तो पीकर लुढ़क गए। तू ये बता कि सीनू की शादी में क्यों नहीं आया? अरे बाप रे, आज सीनू की शादी है? हाँ तो ऑलरेडी हमने पीना शुरू कर दिया। अरे भाई मेरे लिए क्वार्टर निकाल कर रखना। हाँ ठीक है निकाल दूंगा, तू रात होने से पहले यहाँ आ जाना। ठीक है। तुम्हारी चक्कर में मेरे दोस्त की शादी में जाना भूल गया, पूरा मोहल्ला वहीं पर है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। चलता हूँ। अब क्या हुआ? और मैं? तुमसे हो सकता है तो इसे तोड़कर अपने घर चली जाओ, या फिर मेरे दोस्त की शादी में चलो मेरे साथ। कल सुबह शॉप ओपन होते ही इसे तोड़वा दूंगा। ओह हे भगवान, किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे। हे सीनू। हे हाय। क्यों बे दूल्हे, कैसा है? क्या बोलता है? ये हथकड़ी क्यों? ये हथकड़ी नहीं है भाई, आज फ्रेंडशिप डे है ना। मार्केट में आई हुई नई फ्रेंडशिप बैंड, अगर सच में अच्छे फ्रेंड हो ना तो सारा दिन इसे पहन कर घूमना है। ऐसा क्या? ये बता ड्रिंक का सेटअप कहाँ है यार? जीजा मैं आ गया। चाचा मेरे लिए थोड़ा स्ट्रांग बना। तूने शादी कर ली, हमें पार्टी नहीं। अरे ये मेरी बीवी नहीं है यार, पहले तुम डालो यार। तो पति पत्नी के जैसे क्यों घूम रहा है? क्या कर सकते हैं, इसे काटने के लिए वेल्डिंग चाचा चाहिए। घंटे भर पहले पीकर लुढ़क गया, सुबह होते ही काट देगा। थोड़ा पी ले, बियर दूं या विस्की? मुझे पीने की आदत नहीं है। बाप रे, मुझे पहले से डाउट था कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ए भाई तुम इस लड़की के साथ मत घूम, तू अगर शरीफ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे आज एक दिन के लिए, कल से कौन है ये भूल जाऊंगा। हाँ, हाँ। हम लोग इसी तरह पीकर जिंदगी के मजे लेंगे। वही वही। ये चीयर्स। तू हार मत मानना। हाँ। रवि इधर आना। क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम है बता? वो लड़की दुल्हन है और वो उसकी फैमिली। हाँ। बेचारी, उसकी मम्मी को कैंसर है ये अभी अभी पता चला है। उस लड़की ने मेरे पास आकर शादी कैंसिल करने की बात की और दहेज के पैसों से वो अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती है। हाँ। ये बात सुनकर मैं उससे और प्यार करने लगा हूँ। हाँ? अपनी माँ के लिए वो शादी ठुकरा रही है। शी इज ग्रेट यार, सुपर यार, सुपर। शादी के बाद कैसे भी पापा को मनाऊंगा ये सोचा था। हाँ। लेकिन पापा तो दहेज के पैसों के लिए मंडप के आसपास घूम रहे हैं। आज तक उसके लिए जितना पैसा खर्च किया है मैंने सब लिखा है, ये देखो ध्यान से, एक एक दिन का हिसाब लिखा है। ब्याज मिला के पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। जब तक पूरा पैसा मेरे हाथ में नहीं रखोगे मेरा बेटा मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा। सिर्फ बेटा पैदा करने से कुछ नहीं होता, दहेज का पैसा वसूल करने के लिए दिमाग होना चाहिए, यही तो मैटर है। अरे बाप रे, अंकल कोई धोखा देना चाहता है? पहले ये बात तेरे पापा को बतानी होगी। ये शादी कैसे होगी मैं भी देखता हूँ। पूरा नशा उतर गया। अंकल 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 रुको। अरे छोड़ मुझे। अरे रुको ना। चलो रुको। लिस्ट लेकर मंडप के यहाँ पर पुतले की तरह घूमो मत, पहले दहेज का हिसाब किताब कर लो। चिंता मत कर बेटा, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, दे देगा। क्या देंगे वो लोग, उनके पास तो चवन्नी का सिक्का भी नहीं है। नहीं है क्या? देखो आगे खुद पूछ लो। बाप रे, ये सच कह रहा है क्या? मेरी बेटी का क्या होगा? अरे बाप रे, हे भाग्यवान, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, जल्दी से इधर आ। क्या हो गया जी? और क्या होगा, शादी तक ये यहाँ लेकर आया, सबके सामने मान जाऊंगा ये सोच रहा है? नहीं मानूंगा। पापा ए, तू चुप कर, हम बड़े बात करे तो तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? तेरा बाप चाहे तो तेरी शादी रोक सकता है। बचपन से आज तक अपने बाप की बात मानता आया है ना तू, तो ये बात भी मान ले। सही कहा बेटा। हाँ। अब मैं जो भी बोलूंगा तुझे सुनना ही होगा। मैं नहीं सुनूंगा पापा। आ? आप कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। यही इसी बात के लिए मैं रुका हुआ था, तेरे प्यार के लिए तुझे ही लड़ना पड़ेगा। मेरे जैसे मेडिएटर की कोई जरूरत नहीं है, अभी तू हीरो है,
उस लड़की के लिए तू ही उसका हीरो है, वो लड़की तेरी हीरोइन है। हर एक की लव स्टोरी में हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं। आपको दहेज चाहिए ना? ये लो 5 लाख रुपए। हाँ, घर में लड़की नहीं है इसलिए बहुत दुखी हो रहे थे ना। अब जब लड़की घर पे आ रही है तो उसे तकलीफ मत देना। जब एक लड़की अपनी माँ का घर छोड़कर अपने माता पिता से दूर दूसरे की दहलीज पर आती है तो उसे इज्जत देनी चाहिए। इतनी सी बात है, वो कितना बड़ा त्याग करती है, अपना तो सिर्फ फर्ज होता है। लेकिन इनके त्याग के सामने अपना फर्ज कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, महालक्ष्मी हमारे घर आ रही है, ये कागज मुझे नहीं चाहिए, रखो। समधन जी, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, चलिए चलिए चलिए, चलो बेटा। छाया छाया जादू मस्ती में झूम लो, हुआ हुआ इश्क दोनों में तुम जान लो, मन है जुड़ा मन से अरे तुम ये मान लो, हो राधे कृष्णा जैसी है अपनी प्रीत जान लो, नजर लगे किसी की ना कभी अपने प्रेम को, जिएंगे जिएंगे हम तो, हीरो हीरोइन बन के सदा ही हीरोइन, हीरो हीरोइन बन के सदा हीरो हीरोइन।
छी, तू तो किसी काम का नहीं है। ये चिप्स तो बहुत ही अच्छा है, एक पैकेट और खाऊंगा। तेरे दोस्त को बोल के दरिया में कूद के अपनी जान दे दे, बेकार आदमी। अरे ओ सुन, अरे सुन, अरे दूंगा एक लफा, तुझे कब से आवाज दे रहा हूं मैं, ये बता तूने उस लड़की के साथ आखिर किया क्या? तुझे एक बात बताऊं क्या? हाँ। असल में कुछ किया ही नहीं। तूने कुछ नहीं किया इसलिए ऐसा बोल कर गई? इनसे तो दूर रहना चाहिए बाबा। मेरे को एक डाउट है यार, तू तो कभी लड़की के पुतले को भी नहीं छोड़ने वाला, और तूने उस लड़की को कैसे छोड़ दिया? हाँ यार, ये बात तो मैं भी नहीं समझ पाया। रेस में दौड़ने वाला घोड़ा था मैं, लेकिन वो दौड़ना छोड़कर मैं ऐसे रेस्ट क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। साइकोलॉजिकल कॉल से स्टक हो गया हूँ मैं, अंदर से नशा ही नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माइंड को सेट करने वाला कोई डॉक्टर है तो मुझे बताना, किसी भी तरह फॉर्म में आना चाहता हूँ यार। ओके ओके कूल, तुझे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। चला फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, फुल फॉर्म में आ जाएगा, टेंशन मत ले। वो देख आ रहा है यहाँ पर। हाय। तुमने ये जो जैकेट पहनी है उसे सेलेक्ट करने में कितना टाइम लगा? टू आवर्स। एक जैकेट सेलेक्ट करने में 2 घंटे लगाए, लेकिन लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में सिर्फ 10 मिनट काफी होंगे। नाइस क्वेश्चन, लव एट फर्स्ट साइट वाली बात आपने तो सुनी होगी। या प्यार सिर्फ कुछ ही पलों के लिए याद रहता है, पर अपनी बीवी को सेलेक्ट करने के लिए 10 मिनट भी बहुत है। हमारी दीपू बहुत लाड प्यार से पली है। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। थैंक्स यार, सुपर्ब जोड़ी है। इस बार की तेरी चॉइस मेरी चॉइस से भी ज्यादा बेटर है, और मैं भी अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन कर चुकी हूँ। वो कौन है? ब्लॉकबस्टर सिटी शॉप का रवि। क्या वो? ये कैसा ट्विस्ट है यार, सब कुछ ठीक तो है ना? हम लोगों ने सिर्फ उसकी पायरेसी देखी, पर उसके अंदर की इंसानियत नहीं देखी, इसलिए वो मुझे पसंद आ गया। पसंद आ गया मतलब? जब किसी से प्यार होता है तो तुरंत बता देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। मैं अभी उसके घर जाकर उसे आई लव यू कह देती हूँ। यस, आई थिंक आई हैव डिसाइडेड। बाय बाय। तुमने मुझे टच किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखो मैं सारा सामान उठाकर लेकर आई हूँ। मेरा एड्रेस कैसे मिल गया? तुम्हारा विजिटिंग कार्ड उस दिन मेरे घर पर रह गया था ना। उस दिन मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। वो गलती मुझे पसंद आई थी, फिर से वही गलती करो ना, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा था कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं भूल कैसे जाऊंगी, ये कोई खुद का रिश्ता थोड़ी ना है। तुम्हें क्या करना है? क्या हुआ बताओ ना, मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा सोचना भी मत,
ये बात सोचकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। हर एक लड़की अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने करियर के बारे में, सिर्फ इतना ही नहीं अपने ड्रेस सिलेक्शन के बारे में भी सोच समझ कर डिसाइड करती है, लेकिन पता नहीं क्यों प्यार करने के लिए सही इंसान सेलेक्ट नहीं कर पाती। हर एक बात को हम दिमाग से सोचते हैं, पर प्यार की बात आने पर अपने दिल से सोचते हैं। बेचारा दिल, बहुत बहुत मासूमियत है इसके अंदर, किसी भी इंसान पर आसानी से भरोसा कर लेती है। पर आज के बाद एक बात तो मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ कि अब से मैं प्यार के फैसले भी दिल से नहीं दिमाग से लूंगी। Only calculations. मुझे जैसा लड़का पसंद है मैं बिल्कुल वैसे ही लड़के से शादी करूंगी। जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बाय। इसे तूने देखा है? हाँ। नहीं देखा भाई, नहीं देखा। जोर से देख, बता। नहीं देखा भाई। ओ माय गॉड, मेरे भैया नीचे खड़े हैं, वो मुझे मार डालेंगे। ओ माय गॉड, चलो भाग चलते हैं। रुको, मैं देखता हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जाओगे क्या? ये बैग पकड़ो। ए, वहाँ नहीं, यहाँ चलो। ए, अरे। ओ माय गॉड, चलो। अरे कहाँ? अरे अरे छोड़ो मुझे। हाँ, क्या हो गया? मुझे और नहीं होगा, एक मिनट रुको। हम लोग इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं ना? हाँ? क्या कहा? इस शहर को छोड़कर जाना है? वो क्यों? अगर मेरे भैया के हाथ लगे ना तो दोनों मारे जाएंगे। मार दिया तो हम मर जाएंगे क्या? किसी भी लड़के को लड़की के लिए मरना चाहिए, लड़की की वजह से नहीं मरना चाहिए। मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ कोई प्लान बना लूंगा। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स से ज्यादा ना मेरे भैया पावरफुल हैं, तुम ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। दुश्मन? हाँ। इस शहर में मेरा दुश्मन भी है? मुझे अपने दुश्मन के नाम बताइए, मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्या गुड न्यूज सुनाई है? मेरे दोस्त ने बोला था कि जैसे ही तेरा दुश्मन बन जाए तो तुरंत मुझे कॉल करना, अब भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार तो अपने भाई का फोटो दिखा। बैटरी डाउन हो गई। कोई बात नहीं, मैं उसकी डील सेटल करके आता हूँ, बाद में वो फोटो व्हाट्सएप में भेज देना। ओके ओके, यहीं पर वेट करना। ओके। ऑटो, ए, वो ले जाकर गाड़ी में संभाल कर रख। ठीक है, रख दूंगा। बेटी, एक दो दिन और रुकती तो अच्छा लगता। नहीं अंकल, फॉरेन से पापा आए हुए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बेटी। हमारी बेटी के लिए ना बहुत अच्छा लड़का चुना है, शादी में जरूर आना बेटी। अगर तुम नहीं आई ना इसकी शादी में तो देखना, आओगी ना? मैं इसे एयरपोर्ट ड्रॉप करके आ जाती हूँ। हाँ बेटा, जाओ, छोड़ संभाल कर। ओके बाय। हेलो, बोलिए। मेरा फ्रेंड 402 में है, उससे मिलना है। सर, आपके लिए कोई गेस्ट आए हैं। बैठने के लिए बोलो, मैं आता हूँ। आप बैठिए, 10 मिनट में सर आ रहे हैं। ये लड़की यहाँ कैसे? स्टॉप 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 स्टॉप। ए, क्या बात है? क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कैसे? आप मुझे जानती हैं क्या? आप पीके को जानती हूँ? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पर। क्यों? आप लोग पुलिस को तो नहीं बताएंगी ना? पुलिस को नहीं, दरअसल वो मेरे भैया को रास्ते से हटाने के लिए गया है। पीके और आपके भाई के बीच क्या दुश्मनी है? एक्चुअली पीके को और मुझे रोमांस करते हुए मेरे भैया ने देख लिया था, वो बहुत गुस्से में थे और पीके भाग गया था। अब भैया पीके के पीछे पड़े हुए फोटो लेकर घूमते रहते, इसे ढूंढो इसे ढूंढो। ये तो उस किलर की सिस्टर है। एक्सक्यूज मी, अब क्या करने गया है वो? पीके का संगीता लॉन्च भी एक फ्रेंड रहता है, वो भी मेरे भैया की तरह ना एक किलर है,
उसी से डील करने के लिए गया है। वो दोनों एक ही हैं। पीके ये बात जाने बिना तेरे भाई के पास चला गया। सच में क्या? ओह, अब क्या होगा? हाय, हाय ब्रो। थैंक यू। रिसेंटली मेरा एक दुश्मन बना है, आपको बताने के लिए आया था। आपका जो एहसान मेरे ऊपर है उसे चुकाने का मौका देने के लिए थैंक्स। बताइए कौन है वो, बताइए। वो एक वेस्ट फेलो है ब्रो, वो जी क्यों रहा है उसके बारे में उसको ही नहीं पता है। वो इतना वेस्ट फेलो है कि उसकी बहन के साथ रोमांस करते देखकर भी वो मुझे पकड़ नहीं पाया। उसके कपाट में से I am a street dancer ऐसा बोल रहा था, तो वो FM समझकर पूरी तरह से बेवकूफ बन गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जो भी आवाज आ रही थी वो रेडियो में से, मतलब मेरी आवाज को FM समझ रहा था। क्या हुआ ब्रो? उसका नाम क्या है? एंटोनी कहता है। ओ, खांसी है। ड्रिंक करो ना ब्रो, ड्रिंक करो। बादशाह फिल्म में एंटोनी जैसा बिल्टअप देता है कहते हैं। उसे आपने कभी देखा है? अरे उस बेवकूफ को देखने की क्या जरूरत है ब्रो, लेकिन देखने का चांस ही नहीं मिलता है क्योंकि वो मुझे मार देगा। इस गन से उसे मार दो ब्रो, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को मारा है ब्रो। व्हाट्सएप में उसका एड्रेस और फोटो भेजता हूँ, उसे तुरंत मार देना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। बाय ब्रो, ऑल द बेस्ट ब्रो। उसे मारने से पहले आपको कोई संदेश देना है क्या? हाँ, उसकी बहन मेरे लिए भाग कर आई है ऐसा बोल देना। आपकी कही हुई सारी बातें उस तक पहुंच गई हैं। वो कैसे? क्योंकि वो वेस्ट फेलो एंटोनी मैं ही हूँ। बाप रे! हे भगवान, मुझे मत मारना। अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, बच्चा भी नहीं हुआ है ब्रो। जिंदगी में और बहुत कुछ देखने का सोचा है मैंने। नहीं ब्रो, प्लीज ब्रो, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं ब्रो। कसम खाई है कि मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। तेरे जैसे पापी को बर्दाश्त करने की ताकत सिर्फ ऊपर वाले को है। मैं तुझे ऊपर भेज रहा हूँ। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम सर। क्या रे, खेल रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो? Hey, अपनी बंदूक अंदर रख ले। अरे अरे, मैंने इसे अरेस्ट करने के लिए नहीं बोला, उसे बोला सर। चल जा बे। सर, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर? मैंने क्या किया है? तेरे सवालों का जवाब देने के लिए मैं तेरा कोई क्लास टीचर नहीं हूँ। पुलिस, यहाँ का पुलिस हो, कांस्टेबल, इसे लेकर जाओ। जा बे, कब से देख रहा हूँ तेरी गन मेरी गन से बड़ी है, तो हुल दे रहा है क्या? चल निकल, अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो ठोक दूंगा तुझे। पीछे हटो। ये क्या रे, नकली गन से डर गया? ये ले, चल अब निकल ले। थैंक यू अंकल, पैग लेंगे क्या? तुम पी लो। अरे तुम लोग इसे पकड़ के खड़े क्यों हो? गाड़ी में डालो। सर क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर? सबसे आगे पुलिस। क्या बात है, मस्त कमर हिला रहा है। आप ड्यूटी पर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते क्या? जो गन के साथ रहता है उसे अरेस्ट करते हैं, बिना गन वाले को नहीं। शट अप। मैंने जानबूझ के अरेस्ट किया है, और किसके कहने पर अरेस्ट किया पता है? वो उस दिन वाली लड़की। आपको तो सच में लोकल फीलिंग ही नहीं है, सच्चाई छोड़कर बुराई को सपोर्ट कर रहे हो सर। मुझे सच्चाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं, मैं बस कैश की भाषा समझता हूँ। अभी वो लड़की आएगी और तेरे ऊपर FIR फाइल करेगी, उसे दिखा के धमका के पैसे लूटूंगा। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, उस दिन पार्क से भाग कर गए थे ना, वो पैसा भी आज ले लूंगा। कैसा लगा? अरे बाप रे, नाम लेते ही ये हाजिर हो गई। ये लो बेटी, जो चाहो इसके खिलाफ लिख दो। मैं कंप्लेन करने नहीं आई हूँ। हाँ? फिर मुझे कैश कैसे मिलेगा बेटी? हाँ? अब वही तो प्रूफ। अगर तुम अभी इसे नहीं छोड़ोगे तो DGP को फोन करके कह दूंगी कि तुम FIR लिखकर ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करते हो। अब क्या करना है डिसाइड कर लो। अब इतनी ईमानदारी से धमकी दे रही है तो उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसे बाहर नहीं निकालूंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। उसे बाहर निकाल देता हूँ और मैं चुपचाप यहाँ बैठ के ड्यूटी करता हूँ बेटी। गुड जॉब। थैंक यू कॉन्स्टेबल्स, साहब को बाहर निकालो। ओके सर। किलर से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
मैंने शहर में घूमने के लिए तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकाला है। अब जो कहती हूँ चुपचाप सुनो। तुम ऐसे लड़के हो, कोई भी एक लड़की क्या मिली उसके पीछे चले जाते हो और उसे डिस्टर्ब करते हो और वहीं पर नहीं रुकते, फिर दूसरे की लाइफ में एंटर करते हो और तुम्हारा ये काम बस चलता रहता है। और अगर मेरे जैसी कोई लड़की मिली तो बेवजह तुम्हारे चक्कर में परेशान होती है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। कम विद मी। हे रुक जाओ। क्या करूं मैं? वो देखो। हाँ। उस लड़की के साथ शादी करनी है। क्या कहा? शादी? मैं? ये तुम क्या कह रही हो? इतनी जल्दी शादी कैसे करूं? हाँ? तुम कोई बच्चे हो क्या? तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं हुई है, शादी नहीं करना है, पर शादी के बाद जो कुछ करते हैं सब करना है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो शादी करने के लायक भी नहीं रहोगे। चलो। हे बेबी, ये लड़की कह रही है कि हमारी शादी करवाएगी। अब तो गलती करने का लाइसेंस भी मिल गया ना। ये चुप करो। इसमें हार्मोन ज्यादा है तो उसमें ईगो ज्यादा है। पता नहीं कहाँ आकर फंस गया मैं। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, पहले मुझे सेटल होना है, थोड़ा सा टाइम तो दे दो। So cute. तुम्हारे जैसे लड़के लाइफ में कभी शादी नहीं करते। बस मस्ती करते हैं और छोड़ देते हैं। सालों तक अफेयर करना मंजूर होता है लेकिन शादी करना नहीं। जब तक कोई लड़की तुम्हें फोर्स ना करे, तुम्हें अपने काबू में ना करे, तब तक सही रास्ते पर नहीं आते। तुम्हारे लिए प्यार करना सिर्फ मजाक है लेकिन शादी करना हर लड़की का सपना होता है। चुपचाप कार में बैठो, अभी के अभी तुम्हारी शादी करवाऊंगी। चलो 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 चलो। क्या हुआ बेबी, शादी का नाम सुनते इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। ओके। सो क्यूट, आई एम सो हैप्पी। यू नो, तुम्हें मुझ जैसी सुंदर लड़की मिली है, कितने लकी हो यार। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, शादी के बाद तो सब कुछ करेंगे, ठीक है ना? तुम्हें लेकर कहीं दूर भाग जाऊंगी त्योहार मनाने के लिए। यहाँ तक इसे लेकर आई पर इसकी शादी देख नहीं पा रही। अनजाने में ही सही पर इससे प्यार किया, पर अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। चल चलते हैं। चल। जेनिफर, रवि नाम के इस व्यक्ति के साथ शादी करना तुम्हें मंजूर है क्या? यस फादर, मंजूर है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मिस्टर रवि, जेनिफर नाम की इस लड़की के साथ शादी करना क्या तुम्हें मंजूर है? शादी का मतलब क्या होता है फादर? एक लड़की के लिए सब कुछ वही बनकर जिंदगी भर मैं उसका साथ दूंगा, ऐसा प्रभु के पास वादा करना ही शादी होती है। मैं गारंटी नहीं दे सकता। हाँ? जिंदगी भर साथ रहने वाला प्यार मेरे अंदर नहीं है। जब भरोसा ही नहीं होता वहां दो दिल कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए प्रभु के सामने
मैं इस शादी को रोक रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? तुम ही मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तुमसे पहचान होने के बाद भी मैं बहुत सी लड़कियों के साथ घूमा हूं, शादी के बाद भी घूमूंगा। तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नो। मतलब मुझे छोड़कर चली जाओगी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार का मतलब सिर्फ चाहना नहीं होता, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। ऐसा लगना चाहिए। उसके लिए ही मुझे छोड़ रहे हो? मैं उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? जरा देखो तो मेरी तरफ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। आज तक मैं खूबसूरती के पीछे भागा, मगर उससे मुझे असली खुशी नहीं मिली। हम जिससे प्यार करते हैं वो खूबसूरत होना जरूरी नहीं है जनी। वो लड़की कैसी भी हो, उसे देखकर मन में फीलिंग आनी चाहिए। खूबसूरती सिर्फ आंखों के लिए नहीं, दिल के लिए होती है। आजकल दो दिलों को साथ रहना है तो सिर्फ पसंद से नहीं होता, प्यार भी होना चाहिए। उससे ज्यादा उस लड़की के प्रति पागलपन होना चाहिए। जी, तुमसे बात करते हुए मुझे घिन आ रही है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तुम अपने घर जाओ। हाँ? तुम्हारे भाई से तुम मत डरना, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया है, बोल देना। वैसे भी वो मुझ पर गुस्सा तो है ही, इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बाय। हे रिक्शा। हाँ। बस स्टैंड तक चलोगे? दिखाई नहीं देता तुझे, मैं बिजी हूँ। चाहे जितने भी पैसे ले लो, मुझे अर्जेंट जाना है वहाँ। ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा तो फटाक से पुलिस पकड़ लेगी। मैं नहीं जाएगा। अरे भाई तू सिर्फ बैठा, मैं चलाता हूँ। हाँ वो चलेगा। अब आराम से चलो। इस तरह एक लड़की को उसके प्यार को धोखा देकर मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों हुआ है ये मुझे जानना है। किसी भी हालत में मुझे हैदराबाद जाना है। बस तो खड़ी है रिक्शा। बस रड़ी है, कितने पैसे चाहिए बोलो। मैंने चलाया होता तो 100 रुपया, अब आपने चलाया तो 200 दे दो। ये लो। और ये देख, ये रिंग भी तू ही रख ले, रख ले इसे। अरे ये रिंग का मैं क्या करूं? कम बाबा, बैठिए। बचपन में जब तुम स्कूल जाती थी ना, तब मैं तुम्हें शूज पहनाता था। अब आप मेरे लिए बच्चे हैं। अच्छा ये बात है, इसलिए सुबह जॉगिंग पे ले जाकर मुझे पनिशमेंट देती हो? हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भगवान गुस्सा होकर बीपी, कैंसर, शुगर जैसे पनिशमेंट देंगे। अगर इन सब से बचना है तो ये सब करना ही होगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। अभी हमारी फिल्म की फर्स्ट कॉपी देखी, बहुत 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 अच्छी है। तुम्हें पसंद आई? या ऑडियंस को पसंद आएगी? आप टेंशन मत लीजिए पापा, मूवी रिलीज होने के बाद ऑडियंस ब्लॉकबस्टर कहेगी, आप भी देख लीजिएगा। थैंक्स बेटी, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं, जल्दी आ जाना। ओके पापा, ठीक है, सी यू। बाय। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जेनी कहाँ है?
तुम्हें क्या बोलूं कैसे बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाटक करना बंद करो। जेनी से शादी करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मतलब पूरी लाइफ ऐसे आवारा की तरह घूमते रहोगे? नहीं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो बुरी किस्मत वाली? तुम हो। प्यार, प्यार का मतलब तुम्हें पता भी है? और आज तक ये बात तुमने कितनी लड़कियों से कही है? अब तक किसी से नहीं कहा मैंने, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ। तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है? कोई चांस ही नहीं है। तुम एक प्ले बॉय हो। हाँ हूँ, मैं एक प्ले बॉय हूँ। हर लड़का प्ले बॉय ही होता है। बचपन में स्कूल में बगल वाली बेंच पर बैठी लड़की से प्यार करता है, टेंथ क्लास के टीचर से भी प्यार करता है, कॉलेज में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं उनसे सबसे प्यार करता है, फिल्म देखने पर हीरोइन से प्यार करता है, ऐसा प्यार करता ही रहता है। लेकिन उसकी लाइफ में बस एक लड़की आती है ना, तो वो सबसे प्यार करना छोड़ देता है। ऐसे दूसरी लड़कियों से प्यार करना छोड़ना ही प्यार होता है। तुमसे प्यार करने के बाद मैं दूसरी लड़कियों को देखना क्या छूता भी नहीं हूं। तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया, मतलब तुमसे प्यार करने लगा हूं ना। तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे, मैंने तुम्हारे बारे में दिल से सोचना ही बंद कर दिया है। तुम्हें देखकर ही डर लगता है। मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। गुड बाय। ये इतना उदास क्यों दिख रहा है रे? कल तक ये पायरेसी के पीछे पागल था, पहली बार लड़की के पीछे पागल हुआ है, लेकिन वो लड़की इसे नहीं समझ पा रही। ये उस लड़की के बारे में ऐसी बातें मत करो, दूसरे कुछ बात करते हैं। जब मैं श्री के साथ था तब मैं बहुत ही खुश था, मेरी लाइफ में बहुत सी लड़कियां आई और गई भी, और वो गई तो ऐसे ही छोड़कर चली गई ऐसा सोचा था। लेकिन श्री मेरे लाइफ में आकर जा रही है तो फर्स्ट टाइम दूरी महसूस हो रही है, डर लग रहा है मुझे। सब लड़कियां यहां पर रहती थी मगर श्री तो यहां पर नहीं, सीधे यहां बस गई, इससे बाहर ही नहीं निकल रही है। मेरे दिल में सिर्फ श्री ही है। अरे उस टॉपिक के बारे में बोलना छोड़ दो। श्री को कैसे कन्विंस करूं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी मुझ जैसे लड़की के साथ वो क्यों प्यार करेगी? लेकिन फिर भी दिल में थोड़ी सी उम्मीद है। मुझे श्री चाहिए यार, मुझे उसके साथ जीना है। टॉपिक को छोड़ दो, उसके बारे में कुछ बात मत करो। आपको कौन चाहिए साहब? प्रोड्यूसर पार्थ सारथी जी से मुझे मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर तो अभी बिजी हैं, मिलेंगे नहीं? चाहे कितना भी टाइम लगे मैं वेट कर लूंगा। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, लंच टाइम में उनसे मिला दूंगा। ये लो चाय लो। गुंटूर एरिया अपने काबू में है, 9 लाख देकर खरीदा है, 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिया है, बाकी का पैसा रिलीज होने के बाद देना है। सारी जगह पे पोस्टर लगवा दो, सारे थिएटर में अपने पोस्टर चलने चाहिए। ए, बुक माई शो को ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन हमें यूए सर्टिफिकेट मिला है, उसे बदलना पड़ेगा, समझ गए? 10, 50, 100, 1000 चाहे जितने लगे ले आओ, जरूरत पड़े तो काउंटिंग मशीन लगा दो। यस, ये हुआ ना डायलॉग। सर डायलॉग कैसा लगा सर? यहाँ पास में ही रहता हूँ सर, कहानी सुनाने आया हूँ। हाँ और क्या लिखूँ सर, इसे जरा देखिएगा, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। कहाँ है वॉशरूम? कहानी सुनाने आप ही आए हैं ना? अरे उधर क्या देख रहे हो, चलो आओ। आपके हर फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन का 10% आप अनाथ बच्चे को देते हैं,
आप ग्रेट हैं सर। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। दूसरों की मदद करने से मेरे दिल को खुशी मिलती है। अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, इंतजाम हो जाएगा। जरूर सर, अब हम चलते हैं। नमस्ते। He is such a nice person, sir. जी हाँ सर। स्टोरी सुनाने वाले आप ही हैं क्या? जी हाँ सर। आइए बैठिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नेक्स्ट वीक फिल्म रिलीज हो रही है ना, तो बहुत बिजी हूँ। पुरी ने कॉल करके आपकी कहानी सुनने के लिए कहा, इसलिए मना नहीं कर पाया। स्टार्ट कीजिए। कहानी मेरी ही कहानी सुनाता हूँ। सीन ओपन किया तो काकीनाडा का एक सीडी शॉप दिखता है और जो हीरो होता है वो पायरेसी करता है। हीरो ही पायरेसी करता है क्या? जी हाँ सर। नेगेटिव कैरेक्टराइजेशन, इंटरेस्टिंग। उसकी लाइफ में एक अमीर लड़की आती है सर, वो उसे पुलिस में पकड़वा देती है। वो लड़की उसके प्यार को समझ ही नहीं पाती है और हीरो को कन्विंस करना ही नहीं आता। नेक्स्ट। बस इतना ही सर। उसके बाद वो लोग मिले कैसे? मुझे ही नहीं पता सर। ऐसे कैसे? मैंने जो बोला वो कहानी नहीं है। अरे वो मेरी ही जिंदगी है, उसमें मैं ही हीरो हूं। हाँ। और हीरोइन और कोई नहीं, आपकी बेटी श्री है। पायरेसी करने वाला लड़का प्रोड्यूसर की बेटी से प्यार करता है, और ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आपको ही अपनी बेटी को कैसे भी कन्विंस करके मेरी लव स्टोरी सेट करनी होगी सर। क्या हुआ पापा, आप क्या सोचकर इतना हंस रहे हैं? आज एक ऑफिस में आया था। हाँ तो? वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे तुम्हें सेट करने को कहा। वो सीरी शॉप वाला रवि क्या? हाँ। उसकी बातों पर अब ध्यान मत दीजिए, भूल जाइए उसे। उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। पहले ऐसा ही लगता है। हाँ। उसके बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। हाँ। उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ओके ओके। हेलो प्रोड्यूसर साहब। हाँ। फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म तो अब तक रिलीज नहीं हुई, आपने कैसे देखी? अभी लैपटॉप पे देखा, आपके एडिटिंग रूम से ही मिला। हाँ? 10 लाख देख के इसे खरीद लिया मैंने। सुना है बहुत क्रेजी प्रोजेक्ट है। सोच रहा हूँ पायरेसी कर दूं इसके। कुछ वेबसाइट के लोग भाव लगा रहे हैं इसका, तो उससे पहले सोचा आपसे बात कर लूं, इसलिए कॉल किया। आपकी फिल्म की पायरेसी करके उसे टॉरेंट में रखकर सीडी प्रिंट करवा के यहां से बाहर के देशों में डायरेक्टली सिनेमा थिएटर में चलवाऊंगा। सबके फोन में फिल्म को अगर दिखा दिया तो मुझे 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, आप प्रोड्यूसर है ना, तो आप मुझे 30 करोड़ रुपए दो। मैं रोक दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी जायदाद गिरवी रख के इस फिल्म को बनाया है। पूरे 200 करोड़ बजट है। फिल्म रिलीज होने के बाद रेटिंग मिलती है, पहले ही 30 करोड़ बोले तो मुझसे नहीं होगा। अभी बहुत उधार चुकाना बाकी है। एक दिन का टाइम देता हूं, पैसों का इंतजाम कर लो, अगर नहीं कर पाए तो इसे रिलीज कर दूंगा, तुम्हारी फिल्म को। बाय। सुनो प्लीज पापा। प्लीज। क्या हुआ पापा? क्या हुआ?
हेलो कमिश्नर सर। यस। मेरी फिल्म रिलीज होने से पहले ही पायरेसी से बाहर आ चुकी है। प्लीज एक्शन लीजिए सर, प्लीज। अभी यहाँ प्रेसिडेंट आने वाले हैं, सब लोग उसी में बिजी हैं। आप बाद में फोन कीजिए। बाय। बिजी हो क्या? पापा, कुछ नहीं होगा पापा। हाँ? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है बेटी। दवा खा लीजिए, प्लीज लीजिए। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी। फिल्म रिलीज होगी क्या? ये फिल्म रिलीज जरूर होगी पापा। हाँ श्री। तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। इन ऑर्बिट मॉल के पास आ सकते हो? हाँ ओके। अभी इसी वक्त। हाँ ठीक है, आता हूँ। ए सलीम इधर आना। क्या हुआ यार? मेरे ससुर ने कन्विंस किया होगा। हाँ। इसलिए अर्जेंट श्री ने कॉल करके मुझे बुलाया है, मैं जाके मिल के आता हूँ। ठीक है भाई। श्री भाग कर आएगी और मुझे गले लगाएगी। मैं कैसे गले लगाऊं? ऐसा या ऐसे या फिर ऐसे। क्या हुआ? मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने लाइफ में पहली बार उन्हें इतनी टेंशन में देखा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बात क्या है बताओ? पापा की बनाई हुई फिल्म रिलीज होने से पहले ही कोई पायरेसी करने की धमकी दे रहा है। मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी। पायरेसी कहाँ होती है तुम्हें तो पता होगा ना, उसे रोक लोगे? उसके बदले तुम जो चाहोगी मैं करूंगी। श्री, मैं तुमसे वादा करता हूं किसी भी तरह कुछ भी करके पायरेसी को रोक दूंगा। तुम अपने घर जाओ। ए सलीम उठना। क्या हुआ? पायरेसी कहाँ होती है तुझे पता है ना? उसका मेन हेड कौन होता है? मुझे लेके चल वहाँ पे। लेकिन क्यों यार, वहाँ जाना सेफ नहीं होगा? हर किसी को अपने प्यार को प्रूव करने का एक मौका मिलता है जो मुझे मिला है, और वो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। चल बता कहाँ रहता है, बता चल। क्या रे सलीम, कैसे हो भाई? किधर है? ऊपर है, जाओ। ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। सॉरी, कल तक देखते हैं नहीं तो रिलीज के लिए तैयार रहते हैं। नमस्ते भाई। क्या बे सलीम, तू परसों आके मिल, अपने एरिया में तुझे पायरेसी करनी होगी। गलत है साहब। हे तू चुप रहे ना। आपका ऐसा करना गलत है साहब। कौन है भैया? मेरा फ्रेंड है भाई, यही पास ही में इसकी दुकान है। फिल्म रिलीज होने के बाद पायरेसी करने का कोई मतलब होता है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही पायरेसी करना बहुत बड़ी गलती है। ऐसा मत कीजिए सर। ए, जैकपॉट लगा है रे, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला है।
एक तो बहुत बड़े हीरो की फिल्म है, लोग देखने के लिए टूट पड़ेंगे, कैश बटोरेंगे। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है, पैरेसी मत करो सर। बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता है क्या? आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर। सर चाहो तो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। ए सर प्लीज सर मेरी बात को समझो। इसे बाहर फेंक दे। रवि, रवि। जल्दी यहां से भाग वरना मार डालूंगा। रवि क्या हुआ है मुझे? रात को आपके दोस्त ने एडमिट करवाया था। मेरा दोस्त कहाँ है? मेडिसिन लेने गए हैं, आप आराम कीजिए। तुम खुश हो ना? अब समझ में आया कि एक प्रोड्यूसर की जिंदगी कैसी होती है। एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। दूसरे बिजनेस के मुकाबले फिल्म बनाना कितना रिस्की होता है। एक बिल्डर को लॉस हुआ तो अपना पैसा दूसरी बिल्डिंग से वसूल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर को लॉस हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो बैंक्रप्ट हो जाता है। किसी भी बिजनेस में अगर किसी को लॉस हुआ तो लोग बेचारा है ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर किसी प्रोड्यूसर को लॉस हुआ तो ऐसा कौन कहता है? कोई भी नहीं। किसने कहा था फिल्म बनाने के लिए? किसने कहा था इतना पैसा डालने के लिए? यही सब कहते हैं। लोगों की टेंशन दूर करने के लिए उन्हें एंटरटेन करना गलत है क्या? तुम हमेशा कहते थे ना कि प्रोड्यूसर्स बहुत कमाते हैं, लेकिन आजकल के सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स हार्डली कुछ कमा पाते हैं, और उसका कारण है पायरेसी। मेरे पापा ने इस फिल्म के लिए अपनी जायदाद बेचकर अपनी जान लगा दी, लेकिन तुम जैसे पायरेसी करने वालों ने मेरे पापा की जान ले ली। मेरे पापा को जिन लोगों ने फाइनेंस दिया था वो धमकी दे रहे थे कि ये फिल्म रिलीज नहीं होगी,
हमारे घर का सारा सामान लेकर जा रहे हैं। अबे निकाल पैसे, कार की चाबियां कहाँ हैं? मैंने उसे पैसे दिए थे, चाबी दे निकाल। वहाँ वो जो आदमी खड़ा है ना, उसने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ का फाइनेंस दिया है और अब वो कह रहा है मुझसे शादी करेगा। अब तो मेरे पास मना करने का भी चांस नहीं है, क्योंकि मैं भी इस घर का एक सामान ही हूं ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे। चोटी मस्त है। सलाम वालेकुम भाई। वो प्रोड्यूसर मर चुका है ना, फिल्म को भी वेबसाइट में डाल दो। फॉरेन में रहने वाले अपने लोगों को मेल कर दो, ये सीडी आज रात ही हर शहर में पहुंच जानी चाहिए। आज एक ही दिन है अपने पास, जितना हो सके कैश लूट लो। अरे बापरे बापरे बापरे, लूटने के चक्कर में दिमाग बहुत तेज चला रहे हो भाई। हम जो भी फिल्म देखकर अगर विलन का इंस्पिरेशन लेंगे तो तुम्हारे जैसा बनेंगे। जनता गैरेज फिल्म देखेगी नहीं, उसमें जो भी गलत होता है तो NTR कैसे तोड़ता है। अब से हम हीरो का इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं अभी NTR बनूंगा और तुम मोहनलाल बन जाओ। अगर नहीं बनूंगा तो यही तो मैटर है ना भाई। पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत पुलिस को लेके आया है क्या? पुलिस तुम लोगों का क्या उखड़ सकती है? इतने सालों से पुलिस के होते हुए भी पायरेसी तो चली रही है ना। वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, और इतने सालों से पायरेसी चलती आ रही है। तो गुंडों को लेके आया है क्या? तुम्हारे पास वाले गुंडों को और तुम्हारे पीछे जो बैकग्राउंड है उसको झुकाने के लिए मैं इतना बड़ा पावरफुल नहीं हूं, बहुत तकलीफ होगी भाई। फिर किसके दम पे इतना उछल रहा है? अगर बोलूंगा तो डरोगे, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा। पुलिस रूल्स सेक्शंस, इतना सुनकर भी नहीं डर रहे हो भाई? लेकिन तुम्हें डराने के लिए कौन आया है पता है? फैंस, फिल्मी हीरो के फैंस। आज एक फिल्म में प्रॉब्लम आई है, अगर पूरे फैंस एक हो जाएं, तो पायरेसी कैसे करते हैं वो हम उन्हें दिखा देंगे।
सब लोग मिलकर फिल्म के लिए दंगल कर देंगे। तुम ये पायरेसी आज के लिए तो रोक सकते हो, लेकिन उसके बाद ये नहीं रुकने वाला है। हजारों वेबसाइट्स, टॉरेंट्स ऑनलाइन में डाल देंगे इसे। पवन कल्याण के करोड़ से भी ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं। सभी हीरोज को मिलाएंगे तो कई करोड़ फैन फॉलोअर्स हो जाएंगे। उनमें से कई लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तुम्हारे वेबसाइट पर डालने के कुछ सेकंड्स में ही तुम्हारा आईपी एड्रेस, तुम्हारा घर का पता लगा लेंगे और डायरेक्टली तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे गर्दन पर पांव रखकर दबोच देंगे। समझ गए ना? मारे जाओगे। फैंस ऑन ड्यूटी, फैंस ऑन ड्यूटी, फैंस ऑन ड्यूटी। पायरेसी करने की सोच आने पर क्या होता है, इसका तुझे छोटा सा टीजर दिखाऊं? फिल्म फैंस जिंदाबाद, फिल्म हीरो जिंदाबाद, हमारी फिल्में जिंदाबाद। चलो भाई, चलो यहां से। तुझे छोड़ूंगा नहीं। करना छोड़ दे, छोड़ दे। तुझे मैं जिंदा छोड़ रहा हूं, समझ गया? इस टीजर को पहले तूने ही देखा है। अपने दूसरे पायरेसी करने वाले दोस्तों को इस टीजर का छोटा सा नमूना दिखा। पायरेसी मत करना वरना जान गंवा दोगे, समझा? क्या करने जा रही हो पता है? मैं ये शादी करूंगी तो मेरे पापा की फिल्म रिलीज हो जाएगी। मैंने पायरेसी रोक दी है, तुम भी शादी को रोक दो। जब ये फिल्म रिलीज होगी और पब्लिक आकर मूवी देखेगी तभी पता चलेगा कि बाहर पायरेसी हुई है या नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है,
मेरी बात सुनो श्री। चलो आ जाओ बेटी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। श्री श्री मेरी बात तो सुनो। श्री रुक जाओ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो श्री। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझसे शादी करो, मैं बेवकूफ हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन यह एक नंबर का कमीना है, अपनी ही बीवी को मारने का केस है इस पर। ऐसे सेकंड हैंड इंसान की तुम बनना चाहोगी? मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। इसे तुम्हारे बाजू में बैठते देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ब्लैकमेल करके शादी कैसे कर सकता है तू? ऐसी लड़कियों के साथ तेरी शादी करने की औकात भी है क्या, बता? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। ये? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। मेरी बहन को धोखा देकर बचना चाहता था। कहते हैं मरने से पहले हम जिससे प्यार करते हैं वो याद आता है। मुझे तुम्हें याद आ रही हो, इसका मतलब मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। असली खुशी एक लड़की से दिल से प्यार करने से ही मिलती है, वो तुम्हारी वजह से मुझे पता चला। तुमसे प्यार करने के लिए, वो मौका मुझे देने के लिए थैंक यू। अरे ये तो पुलिस केस है, पहले परमिशन लेके आइए। हेलो, बाला कृष्णा के फैन है हम लोग, हमारे बाला भाई हिंदूपुर के MLA। जय बाला भाई, फोन लगाऊं क्या? नहीं भाई, सेकंड फ्लोर पर चलो। चल चल। वो अब कैसे डॉक्टर? बहुत खून बह गया है, प्रेयर ग्रुप है, उसका बचना मुश्किल है। मेगा स्टार के फैन है हम, ब्लड बैंक्स लोगों की सेवा के लिए बनाया है, जितना खून चाहिए उतना मिलेगा। ए ऑफिस में फोन लगा। सुनो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, 1,00,000 रुपए जमा कर दो। पावर स्टार का फैन हूँ, मदद करने के लिए हमेशा तैयार। चल जितना चाहिए उतना भरता हूँ। अब कैसे हो? ठीक हूँ। सारे हीरोज ने मिलकर फिल्म को रिलीज करवा दिया, फिल्म हिट हो गई है। कांग्रेचुलेशंस। पायरेसी रोकने के लिए थैंक्स।
मेरी बात सुनकर तुमने शादी नहीं की ना, अच्छा काम किया। तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा मिल जाएगा। ऑलरेडी मिल गया है, अभी वो मेरे साथ ही है। अच्छा, कहां पर है? तुम ही हो। मैं हूं, लेकिन पवन कल्याण के जैसा कैरेक्टर होना चाहिए, एनटीआर की तरह एनर्जी, महेश बाबू की तरह स्माइल, वो सब मेरे पास कहां है? मैं तो उनके पांव के नाखून के बराबर भी नहीं हूं। हर एक लड़की की लव स्टोरी के हीरो वही होते हैं, लेकिन मेरी लव स्टोरी के तुम हीरो हो।